हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एजाज खान वी एल वाई में। और आज हमारे पास एक ये इंडक्शन आया है। ये इंडक्शन है हैविल्स का। ये देखिए, इसका शीशा वीशा सब टूटा हुआ है, आर पार बढ़ाई शीशा। और ये मैंने खोल दिया है तो अभी आपको दिखाते हैं इसे रिपेयर करके। ये देखिए, इसका ये मॉडल है, हैविल्स का इंडक्शन है। हैविल्स की प्लेट जानदार होती है और ये इसकी कॉइल। तो अभी इसमें क्या फॉल्ट आ रहा है ये देखिए, दिखाता हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो इसका फ्यूज उड़ा हुआ था, क्योंकि फ्यूज जब कट जाता है तो आगे की सप्लाई भी कट जाती है। देखिए भाई लोगों, फ्यूज हमने इसका बांध दिया है, और हमेशा फ्यूज को जो है ऊपर से ही बांधें, नीचे से ना बांधें। बहुत से लोग जो है नीचे से बांध देते हैं। ये देखिए, ये रेजिस्टेंस भी बर्न हो चुकी है लगभग। और ये इसका जिनर भी शॉर्ट है और आईजीबीटी भी शॉर्ट है। हो सकता है आईजीबीटी शॉर्ट होने की वजह से ये शॉर्ट बताता हो। चलिए अभी हम आईजीबीटी निकाल के देखते हैं, ये पता चल जाएगा ये जिनर शॉर्ट है या नहीं शॉर्ट है। ठीक है, अभी आई जी बी टी तो शॉर्ट है ही। ये देखिए, अभी मैं इसकी सप्लाई देता हूँ उसमें। ये इसकी सप्लाई हम लोगों ने दे दी है, देखिए। तो हमारा सीरीज बल्ब जो है फुल ग्लो कर रहा है, यानी जो है ये फुल शॉर्ट है। ठीक है भाई लोग, तो अभी हम इसकी शॉर्टेज निकालते हैं और इसका आई जी बी टी निकाल करके फिर आपको वोल्टेज मेजर करके फिर लगाएंगे आई जी बी टी से। ठीक है भाई लोग, ठीक है। तो बने रहें आप मेरे चैनल पर, और वीडियो अच्छी लगा करें भाई लोगों तो सब्सक्राइब कर दिया करें। और धीरे धीरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं यार सब लोग। यार वीडियो देखा करो तो यार सब्सक्राइब कर दिया करो भाई लोगों। ठीक है, ये देखिए भाई साहब, यहाँ ये जो तीन ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, ये वाले इन ट्रांजिस्टरों को आईजीबीटी लगाने से पहले ये चेक कर लें। ठीक है, ये डायोड रेंज पर रखेंगे हम, पूरी तरह वो लगभग 1 बजे आएगा। ये देखिए भाई साहब, कंटिन्यूटी पे रख के और इसको जो है दिख रहा है ना मल्टीमीटर। ठीक है, अभी हम इसका जो है देखते हैं। यहाँ पे इसका 4 डायोड लगे हुए हैं। ठीक है, डायोड नहीं ट्रांजिस्टर, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, भी ठीक है, ये भी ठीक है। ट्रांजिस्टर हमारे तीनों ठीक हैं। हाँ, ये जिनर डायोड उस टाइम शॉर्ट हो जा रहा था, अभी देखते हैं। अभी ठीक है जिनर डायोड, ठीक है। उस टाइम पे ये शॉर्ट बता रहा था क्योंकि आईजीबीटी शॉर्ट था, इसकी वजह से वो शॉर्ट बता रहा था। लेकिन इस टाइम पे बिल्कुल ठीक है।
यानी हमारा आईजीबीटी में ही फॉल्ट था और ये बिल्कुल ठीक है। चलिए ठीक है, मुझे एक बार ब्रेक रेक्टिफायर को भी चेक करके देख लें। कभी कभी ऐसा होता है यार, ब्रेक रेक्टिफायर भी ख़राब हो जाता है। ये ब्रेक रेक्टिफायर हमारा बिल्कुल ठीक है और बाकी ये रेस्टेंस बहुत बता रही है, ये बंद है, रेस्टेंस है यार, ये तो कुछ ठीक है यार। सही है, ये सही है, बस हमको जो है अभी आईजीबीटी ही डालना है और बाकी सब चीज़ ठीक है। अभी हमें क्या करना है, इसको एक बार आईजीबीटी लगाने से पहले वही मेथड इसके मीटर कलेक्टर पे देखेंगे, वोल्टेज तो नहीं आ रहे हैं। ये भाई लोग हमने इसमें सप्लाई दे दी है, सबसे पहले एसी वोल्टेज चेक करें अपने, एसी वोल्टेज कितने आ रहे हैं इसमें। एसी तो सप्लाई नहीं आ रही है यार, एक सौ सतासी अठासी वोल्टेज आ रहे हैं। ठीक है, तो 188 का मतलब है अब इसको डीसी 1000 पर रखेंगे और इसके वोल्ट चेक करेंगे, यहाँ से 265 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब हमारा ये बड़ा वाला कैपेसिटर ठीक है और वोल्टेज इसमें ठीक आ रहा है, दिख रहा है मल्टीमीटर। तो अभी हमको ये मेजर करना है, इसके तो वोल्टेज नहीं आ रहा, ये देखिए इसके गेट पे वोल्टेज नहीं आ रहा है, बिल्कुल 0-0 है गेट। ठीक है भाई लोग, और बाकी यहाँ पे अपने देख लेंगे 18 वोल्ट हमारे सही बन रहा है। यार ये प्रिंट इसका ऐसा है, इसकी वोल्टेज माप नहीं पा रहा ये मेरे। सुनाइए भाई, खैरियत? हाँ जना भाई, क्या हाल है? देखिए 5 वोल्ट ये सही आ रहे हैं, अब हम ये 18 वोल्ट पे देखना है, 18 वोल्ट यहाँ पे सही बन रहा है। हाँ ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह बैठो। Thank you.
देखिए भाई साहब, 18 वोल्ट बना, उसको सप्लाई बता नहीं रहा था यार। ये देखिए हमारे 18 वोल्ट इस टाइम बिल्कुल ठीक आ रहे हैं। ठीक है भाई लोग, तो अभी हमको जो है IGBT इसका लगा देते हैं, और वीडियो लंबी हो चुकी है थोड़ा, मैं अभी इसको रोकता हूँ वीडियो को। ये देखिए भाई लोगों, हमारा IGBT इसमें हमने चेंज कर दिया है, और इसका फ्यूज भी सही हो चुका है। इसमें बर्जर ख़राब था यार, मैंने अभी इसको रिपेयर करा, फिर जला के देखा, उसमें आवाज़ नहीं आ रही थी। मैं सोचा यार पता नहीं क्या मसला हुआ यार, इसका बर्जर ख़राब हो गया था, क्योंकि हमने इसका बर्जर दूसरा डाल दिया है। ये वाला ये ख़राब था, ये चेंज कर दिया, अब इसका बीप मारने लगा, क्योंकि बीप बहुत ज़रूरी होता है, उससे पता चल जाता है कि क्या मसला आ रहा है, क्या फॉल्ट आ रहा है इसमें। ये देखिए अभी हम इसमें लगा के दिखाते हैं, फिर बीप की आवाज़ आएगी इसमें। अभी हमारा जो है ये बिल्कुल ओके कंडीशन में आ चुका है। ठीक है भाई लोगों, अभी हम इसकी फिटिंग करके फिर आपको दिखाते हैं। ठीक है, ये दोस्तों ये जो है हमारा इंडक्शन इस टाइम कंप्लीट हो चुका है। इसका IGBT गड़बड़ था, IGBT डाल दिया, फ्यूज़ ख़राब था, फ्यूज़ डाल दिया। ठीक है भाई लोगों, और सेंसर भी ख़राब था, वो कैस सेंसर कह रहे हैं, जो बर्जर था बर्जर ख़राब था, और ये सीढ़ी भी ख़राब मिल रहा था। ठीक है, ठीक है भाई लोगों, अभी हम इसको स्टार्ट करके दिखाते हैं। ये देखिए हमारे इसमें सब पूरी सप्लाई आ चुकी है, सारी LED चल रही हैं। कभी भी देखें चेक करके, तो यही चीज़ देखें कि ये स्विच ऑन करने में सारी LED चलना चाहिए। ये देखिए सारी LED चल रही हैं, और अब यहाँ से इसको ऑन करते हैं, और ये हमारा जो है ऑन हो चुका है। ठीक है भाई लोगों, अब इससे हम इसको जो है, ये प्लस है, ये माइनस है, सारे बटन इसके काम कर रहे हैं। ये देखिए भाई साहब, ठीक है भाई लोगों, इस तरीके से रिपेयर करें। और अभी इसका पैनल शीशा जो छूट गया था, शीशा चिपकाया है, वो शीशा चिपका करके फिर मैं इसको दिखाता हूँ कम्प्लीट करके। ठीक है भाई लोगों, देखिए भाई साहब हमारा जो है ये इंडक्शन ऑन हो चुका है। अभी हम इसको ऑन करते हैं, और इसको जो है 210 टेम्परेचर पे है, यानी 1600 वाट पे चल रहा है इस टाइम। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है हमारा। ये देखिए, ये प्लस करेंगे तो 2000 वाट पे आ गया, माइनस करेंगे 1600 वाट पे, 1300 पे आ गया। कम पे ही चलाना चाहिए, जैसे 2000 वाट का है तो 1200 या 1300 पे ही चलाओ तो वो बेहतर रहता है, क्योंकि ज़्यादा लोड देने से जो है फिर गड़बड़ करता है इंडक्शन। अभी थोड़ी लाइट कम आ रही है यार, 150 वोल्टेज पे जो है फिर भी चल रहा है, 200 से कम पे नहीं चलाना चाहिए। ये देखिए भाई साहब, हमारा पानी में खोल आ चुकी है लगभग लगभग। तो भाई लोगों, आप भी इसी तरीके से रिपेयर कर सकते हैं, बहुत नॉर्मल तरीके से। बस अभी हमारा 2000 वाट है, अभी हम इसको स्लो कर देंगे थोड़ा। इंडक्शन की रिपेयर करना आसान है, बस ऐसे थोड़ा सा दिमाग इंसान लगाए तो नॉर्मल तरीके, और इस तरीके से टेप जो भी लगा रही है इसमें कई बार फॉल्ट आ चुका है। ये हर बार में पानी अंदर घुसेर लाते हैं, तो ये अंदर का कुछ ना कुछ ख़राब कर लाते हैं।
की बार है, मैंने इस पर टेप लगा दिया, साफ तरफ से टेप लगा दो तो पानी अंदर जाएगा ही नहीं। ठीक है भाई लोग, इसी तरीके से आप भी कर सकते हैं रिपेयर, देख लीजिए। ठीक है भाई लोगों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है भाई लोगों।